सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल में आपके लिए एक और न्यू डिज़ाइन डोरमेट लेकर आई हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर का वूल यूज़ किया हुआ है। आपके पास अगर साड़ी है तो आप साड़ी से भी इसको बना सकती हैं, उससे भी बहुत सुंदर बन के कम्प्लीट होगा। सो फ्रेंड, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हमें ज़्यादा फंदे नहीं डालने, ओनली एक फंदे से ही हम इसको पूरा बनाकर कम्प्लीट करेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इस डोरमेट को बनाने के लिए हमने कोई यहाँ पर फंदे नहीं डालने, ओनली एक स्लिप नॉट इस तरीके से बनानी है। इस तरीके से मैंने एक स्लिप नॉट बना ली है और इसको अपनी सिलाई में इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा टाइट करेंगे और देखिएगा यहाँ से हम अपना बनाना शुरू करेंगे। कि यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो एक फंदा हमने यहाँ पे नॉट के हिसाब से डाल लिया है, और देखिएगा ऐसे करते हुए एक फंदे से हमने दो फंदे कर लिए, यानी कि एक फंदा हमने बढ़ा लिया। एक बार और देखिएगा, ऐसे अपनी सिलाई से धागा नीचे लेते हुए ऐसे, और ये देखिए अब की बार में हमारे पास में तीन फंदे हो चुके हैं। थोड़ा टाइट करेंगे, फिर से बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो ऐसे ही करते हुए हमने इसके फंदे बढ़ा लेने हैं। अगर आप बिगनर भी हैं और इसको बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी बनके भी कंप्लीट हो जाता है ये। ऐसे हमने अपनी सिलाई डाली फंदे के अंदर, और देखिए सिलाई पे से हमने इस तरीके से ऊपर से लेते हुए नीचे के साइड ये हंटा लिया है, और ये फंदे एक बढ़ चुका है। इस तरीके से ऐसे ही हमें दोनों साइड से ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए, ये देखिएगा ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए हमने अपनी सिलाइयाँ कंप्लीट करनी हैं, और हमें यहाँ पे टोटल 22 फंदे तक इसको बनाकर कंप्लीट करना, जब तक कि हमारे पास में 22 फंदे ना हो जाएं, जब तक हमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए अपना ये पीस बनाकर रेडी करना है। दिखेगा इस तरीके से, तो इसको हम बना लेते हैं। जब तक कि हमारे पास में 22 फंदे ना हो जाएं, जब तक कि हमें इसको ऐसे फंदे बढ़ाते हुए बनाना है। देखिएगा दोनों साइड से हमने एक एक फंदे बढ़ाती हुई यहाँ पे 22 फंदे अपने बना लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाएंगी तो आप और भी फंदे बढ़ाकर इसमें कंप्लीट कर सकती हैं। नीचे से एक ही फंदे से हमें शुरू करना है, ऊपर आप जितना बड़ा बनाएंगे उसके हिसाब से ये फंदे भी अपने बढ़ा लीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ 22 फंदे तक ही बढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम देखिएगा जब 22 फंदे हमारे हो जाएंगे तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये दो फंदे का एक फंदा करना है ऐसे, यानी कि अब हमें घटाना है। अभी हम बढ़ा रहे थे और अभी हमें यहाँ से घटाते हुए अपनी सिलाई कंप्लीट करनी है। देखिएगा कुछ इस तरीके से एक फंदा मैंने इधर की साइड से घटा दिया है और दूसरा फंदा इधर की साइड से घटाएंगे। एकदम इजी है इसको बनाना। देखिएगा एक बार और यहाँ से देखिएगा दो फंदे का एक फंदा कर दिया, दो फंदे लिए मैंने अपनी सिलाई पर, और ये दो फंदे का हमने एक फंदा बना दिया, और ये सिलाई को पूरी निकाल लेंगे। ऐसे करते हुए हम दोनों साइड से एक एक फंदा कम करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास में एक फंदा ना रह जाए। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए घटाते घटाते हमारे पास में यहाँ चार ही फंदे बचे हैं, तो उनको भी हम घटा लेंगे इस तरीके से। अब तीन फंदे बचे हुए हैं, तो ये तीन में से हमने दो भी कम कर दिए। अब दो ही फंदे बचे हुए हैं तो इसको भी हम कम कर लेंगे ऐसे। तो अब हमारे पास में एक ही फंदा बचा हुआ है, लेकिन अभी हम नॉट नहीं लगाएंगे। देखिएगा
एक ही फंदे से फिर से हमने यहाँ से फंदे बढ़ाने शुरू कर दिए ऐसे, धागे को घुमाते हुए ऐसे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। ये देखिएगा, फिर से अंटा लगाते हुए ये तीन फंदे हो चुके हैं और यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे हम। ये देखिए चार फंदे हो चुके हैं, इनको भी हमें ऐसे ही बढ़ाना जैसे कि हमने यहाँ से फंदे बढ़ाए हुए थे 22 फंदे तक, वैसे हमें इसको भी 22 फंदे तक फंदे बढ़ाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसके भी हमने यहाँ पे 22 फंदे बना लिए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाए थे वैसे हमने इसके भी यहाँ पे 22 फंदे बना लिए। जब 22 फंदे हो जाएंगे तो हम इसको भी दो दो करके, सॉरी दो का एक करते हुए इसको भी हम घटा लें, जैसे कि हमने नीचे वाली में घटाया हुआ था बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी एक इधर से एक उधर से करते हुए हम इसमें फंदे घटा देंगे। ये देखिए एक इधर से भी घटाएंगे, दोनों साइड से हमने एक एक फंदे यहाँ से कम कर देने, एक यहाँ से कर दिया, ऐसे ही हमें दोनों साइड से फंदे कम करते हुए जाना है। लास्ट में हमारे पास में एक ही फंदा बचेगा जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, जिसको हम बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बन के कम्प्लीट हुआ। एक फंदा हमारे पास बचा था, उसको मैंने यहाँ से कट करती हुई यहाँ पे नोट लगा दिया है और इस तरह का पीस हमारे पास बन के कम्प्लीट हो गया है। अगर आप बड़ा बनाएंगी तो ये वाले जो हिस्से हैं बड़े बड़े बन के सामने आएंगे। मैंने यहाँ 22 फंदे के बनाए हैं तो यहाँ पर इतने बड़े बने हुए हैं। अब देखिएगा दूसरा पीस हमें यहाँ पे येलो कलर का बनाना है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक नोट से स्टार्ट किया और देखिए दोनों साइड से फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पे 22 फंदे कर दिए और ऊपर की साइड से एक एक फंदा कम करते हुए लास्ट में हमारे पास में एक फंदा बचा, इसके नोट लगा दी। तो देखिए सिंगल पीस बनाया हुआ मैंने ऐसे ही, तो ऐसे हमें चार पीस बना लेने हैं और ऐसे हमें एक और पीस बनाकर कंप्लीट करना है। तो देखिएगा ये मैंने येलो कलर के चार पीस बनाए हुए हैं और ब्लैक कलर के भी चार पीस बने हुए हैं। इस तरीके से ज्वाइंट करते हुए दो ये बने गए और देखिएगा दो वाले ये बने गए, यानी कि दो ये हमने ये बनाए हुए हैं। अब हम इसको टच करेंगे। अब देखिएगा हमें इन पीसों को ज्वाइंट करना है, तो ज्वाइंट करने के लिए क्या करना है, पहले दो ब्लैक कलर के पीसों को हमने इस तरीके से रखा और येलो कलर के जो पीस है हमारे पास में उनको हम ऐसे रखेंगे, ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक और इसको भी इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक। अब देखिएगा इस तरह के पीस रखने के बाद हम इसकी रॉन्ग साइड से सिलाई कर देंगे, रॉन्ग साइड से हमें इसकी पूरी सिलाई कर देनी है। देखिएगा इस तरीके से हमने दोनों पीसेस को सिल लिया है। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, ये पीसेस को ऐसे जॉइंट करना है, यहाँ से बीच से हमें इनको जॉइंट करना है, तो इनको हम यहाँ से जॉइंट कर लेते हैं। देखिएगा मैंने इसको जॉइंट कर लिया है, वैसे मैंने यहाँ पे दो दो पीस करके ये बनाए हुए थे, अगर आप चारों पीस इकट्ठे बनाना चाहती हैं तो आप वो भी बना सकती हैं, तो बीच में हमें इसमें जॉइंट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ का हिस्सा हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो यहाँ का हिस्सा कंप्लीट करने के लिए भी मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह की हाफ पट्टी बनाई हुई है। देखिए इस तरह की मैंने हाफ पट्टियाँ बनाई हुई हैं और यहाँ से मैंने एक फंदे से इसको स्टार्ट किया और दोनों साइड से फंदे बढ़ाती हुए मैंने ऊपर 44 फंदे कर लिए, यानी कि 44 फंदे तक मैंने इसको बनाकर कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद में देखिएगा और यहाँ पे मैंने कोई फंदे नहीं कटाए हैं, ऊपर से जितने के यहाँ से बढ़ती हुई फंदे हमारे ऊपर के साइड गए हैं उतने ही फंदे हमारे पास यहाँ रह गए हैं। और जब यहाँ पे जितने फंदे मेरे 44 फंदे कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर मैंने ये फंदे कटा दिए। और हमें नापना भी है, अगर आप बड़ा बना रही हैं तो बड़े के हिसाब से आप यहाँ पे देखिए, जब ये दो पीस आप बना के कंप्लीट कर लेंगी तो उसके बाद में हम ये बीच का हिस्सा नाप लेंगे कि हमें यहाँ पे कितने फंदों का ये चाहिए। यहाँ पे देखिए कितने फंदों का हमें ये बनाकर कंप्लीट करना है। तो मेरे यहाँ जितने तरीके से मैंने यहाँ पे 22 फंदे से मैंने ये पीसी से वाले बनाए हुए थे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 44 फंदे का ये रखा हुआ है। ये देखिएगा 44 फंदे का रखने पर इस तरह से फिटिंग आ जाएगा ये। और अगली साइड के लिए भी मैंने एक और बनाया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे ऐसे और इसकी सिलाई रॉन्ग साइड से करते हुए पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे।
तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये बनके पूरा कंप्लीट हो चुका है और एकदम इजी तरीके का है और एकदम सिंपल डोरमेट है। इसको बिगनर्स भी बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं है कि इसको कैसे बनाना है, क्या करना है। ओनली एक फंदे से आप स्टार्ट करिएगा, एक फंदे से ये पूरा डोरमेट बनके कंप्लीट हो जाता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी भी तरीके की। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।